योना भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय तीन। योना भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय तीन। फिर यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बातें मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वह तीन दिन की यात्रा का था और योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंची। तब उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का डिंडोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या और पशु और कोई भी न खाए, वे न खाए और न पानी पीवे, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिरे जा रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया।